तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आ गए एक और न्यू वीडियो के साथ। एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है अभी के टाइम में ना, जिम वाले लड़कों के लिए और जो थोड़े छपरी अपरी टाइप के लड़के होते हैं ना, उनके लिए बहुत तगड़ा वाला रेड कलर की वो ड्रिंक है। तो आप समझ ही चुके होंगे उससे कि कौन सी ड्रिंक है। उसका नाम है स्टिंग, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये रही वो स्टिंग। ये तो थी पहले से, और उसके साथ इन्होंने ये लॉन्च की है, ये दूसरी। ये दोनों की दोनों ना देखो जहरी है। मैं इसके आपको नुकसान और फ़ायदे तो क्या ही हैं, इसके नुकसान है बहुत ज़्यादा। और लोग क्या कर रहे हैं, इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं बंदे, बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। जहाँ पे भी मिला मौका, अगर प्यास भी लग रही है बंदों को, तो वो सीधे सोचते 20 रुपये की स्टिंग है, 20 रुपये में पानी की बोतल मिलेगी, तो हम 20 की जगह पे स्टिंग ही पी लेते हैं पानी की जगह पे। तो इसलिए वो पानी ना लेके स्टिंग पी लेते हैं। और स्टिंग इसके अंदर भाई कचरा भरा हुआ, बिल्कुल एकदम लोडेड कचरा, खाली इसके अंदर चीनी। और जैसे कि आप इसमें बहुत लिख रखा है इन्होंने यार, बंदे ही चूतियाँ। जैसे कि देख सकते हो पूरा लिख रखा है कि कैफीन इतना है, शुगर इतना है इसके अंदर, भर भर के बिल्कुल देख रहे हो, 72 mg है भाई इसके अंदर बिल्कुल, ठीक है। 100 ग्राम में 100, ये 250 ग्राम का पैकेट है, मतलब बोतल है। इसके अंदर 72 ग्राम भाई कैफीन भरा पड़ा है और चीनी भरी पड़ी है 2-3 गुना मात्रा में, जितनी आपकी ना बॉडी को ज़रूरत होनी चाहिए ना, उससे 4 गुना इसमें ज़्यादा है ये सब चीज़ें। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ, इसे पीने से भाई एनर्जी तो आती है, देखो 20 रुपये में आती है, तो बंदे तुरंत ले लेते झट से पीते हैं, तो इससे भाई एनर्जी तो आती है। जैसे आप थोड़ा लो फील कर रहे हो ऐसे वो, तो इसे आप पियोगे ना तो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। पर इसका नुकसान भी है इससे कि आपको नींद जो एकदम जो रात में होती है वो नहीं आती, क्योंकि इसमें कैफीन होती है ज़्यादा मात्रा में, शुगर होता है ज़्यादा मात्रा में, तो आपकी चर्बी और पेट और इधर से उधर से बढ़ने लगेगा, और रात में नींद ना आने के कारण और ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ेंगी, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा पूरे टाइम, आपको थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो। तो बंदे ऐसा करते हैं कि पूरे दिन में 5 पी लेंगे 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपये की बंदे मैंने कई देखे हैं, क्योंकि मेरी शॉप भी है तो मैं इस चक्कर में बता रहा हूँ, मैंने कई बंदों को देखा है 5 पी जाएंगे पूरे दिन में। पर ना ये वो बंदे हैं 2 लीटर पानी नहीं पी पाते पूरे दिन में, तो अभी आप सोचो इनके साथ कैसा होता होगा। इससे ज़्यादा कंज्यूम करने से पेट में लिवर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि इसके अंदर भाई कचरा भरा हुआ है। मैं अभी बिल्कुल लिटरली आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर केमिकल ही केमिकल है भाई, कंपनी को तो बेचना है ये चीज़, तो इसलिए वो बेच रही है। और कोई जल्दी मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बताता नहीं है कंपनी। वो आपने इसका ऐड भी देखा होगा, एक बंदा आता है वो चूतिया सा लड़का होता है, बैटरी में यूं करके स्टिंग पीता है और यूं दो प्लग लगाता है, चार्ज हो जाता है ऐसे कि गाड़ी चालू हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, थोड़ा सा बस आपको ये फील गुड करवाता है, क्योंकि इसके अंदर चीनी बहुत सारी है और कैफीन है। आप अगर नॉर्मल भी कोई मीठी चीज़ थोड़ी सी भी खा लोगे ना, तो उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी। इससे अच्छा आप पता है क्या करो, पानी पियो, ठीक है। उसके अंदर नींबू डाल लो, हल्का सा चीनी डाल लो, काला नमक डाल लो, वो ज़्यादा फायदेमंद करेगी। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं भाई जो जिम में पी के आते हैं, और क्या करते हैं जिम में पी के तो आते हैं, बाहर तो खड़े हो, मैंने कई बार देखा जिम जाते समय में कि बाहर लड़के खड़े हैं, स्टिंग लिया उन्होंने, स्टिंग के साथ एक सिगरेट लेंगे, उसे पियेंगे, दोनों में देखो कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये इधर से लिवर ख़राब कर रही है, ये इधर से फेफड़े ख़राब कर रही है, तो इसका बहुत ज़्यादा ना नुकसान है। तो इसे कंज्यूम करना बंद करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अभी मैं आपको इसका ना दिखाता हूँ इसके अंदर कितना केमिकल भरा हुआ है, बिल्कुल कचरा भरा हुआ है। इसको पीना छोड़े, आज ही बंद करें इसको। तो चलो गाइस, अभी मैं आपको इसके केमिकल रिएक्शन चेक करा के दिखाता हूँ। तो अभी आपको इसका अंकित जरा ये हमारी स्टिंग, तो ये हमारी ब्लीच, तो अभी इसको इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं। भाई देखो बता दूं, इससे हम ना कपड़े धोते हैं अपने, सफ़ेद कपड़े होते हैं ना, इसके अंदर केमिकल केमिकल होता है। तो अभी देखो इसका कैसे होता है, आजकल इतने में चेंज आएगा नहीं हुआ, और डाल देख सकते हो भाई, धीरे धीरे इसका रंग चेंज हो रहा है, लाल से हल्का ऑरेंज हो रहा है। अभी हमने ज़्यादा डाल दिया इसके अंदर, तो ये ब्लीच भी डालना पड़ेगा ज़्यादा, ऐसा लगा मुझे। तो धीरे धीरे वाइट होना चालू हो गया है, एक आध बूंद और डालते हैं, धीरे धीरे होता है, पर हम जल्दी जल्दी के चक्कर में इसको करके अभी देखो बिल्कुल ये लाल से सफ़ेद हो चुका है पानी की तरह।
तो ये जैसे कि आपने देखा है, तो इसमें ज़्यादा ये इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि स्टिंग हमने ज़्यादा डाल दी थी इतनी सारी, इस चक्कर में हमें ये ब्लीच पाउडर भी ज़्यादा डालना पड़ेगा इसमें। तो जैसे कि गाइस देख सकते हो नया वाला ये स्टिंग है, इसका भी अभी हम करेंगे, ठीक है, इसका भी देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसा होता है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे अभी तक इसका नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुए, इसलिए तो हम अभी इसका करके दिखाते हैं आपको कि ये भी लाल वाले स्टिंग की तरह ही है, इसके अंदर भी कचरा भरा हुआ है या ये कुछ अलग है। क्योंकि तो जैसे कि देख सकते हो जरा इसको, ये ब्लीच हमारी, अब हम इसको ब्लीच को भी डालते हैं। तो भाई देख सकते हो आप बिल्कुल सेम वही चीज है इसके अंदर भी जो कि स्टिंग के अंदर है, बिल्कुल देख लो वाइट हो गया है, बिल्कुल प्योरली वाइट। तो आप देख रहे हो ना कितना ज़्यादा इसके अंदर केमिकली केमिकल भरा हुआ है, इसलिए मैं मना कर रहा था आपको इसे पीने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें भाई बिल्कुल कचरा है, बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही ज़्यादा हानिकारक है और प्रेग्नेंट औरतों के लिए, उन्हें तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, पर बहुत शौक से पीते हैं बच्चे, इसे पीने से कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है, इसलिए मैं अवेयर कर रहा हूँ कि गाइज इसे ना पिए, इसे अवॉइड करें, इससे अच्छा नींबू पानी पिए, अपना पानी पिए, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो गाइज यही था वीडियो में, मेरा मोटिव यही था इस वीडियो में दिखाने का कि भाई ये बहुत ज़्यादा कचरा चीज़ है, इसे ना पिए और इसे अवॉइड करें। तो बस यही थी वीडियो में, ये लाइक और शेयर करें और अपने अपनों में शेयर करें क्योंकि उनकी भी जान प्यारी है। तो गाइज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।